लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस कैसे होंगे और उसमें हम नेविगेट कैसे करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पे। आज हम ये पढ़ने लगे हैं कि एक वेबसाइट पे चार पेजेस तो होंगे लेकिन उन हर पेज के अंदर भी मजीद पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, पेजेस तो खैर रूट पे ही होंगे सारे, लेकिन उनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो नेस्टेड हो सकता है कि आप अगर होम पे खड़े हुए हो फिर आप होम से गैलरी पे जाते हो तो गैलरी के अंदर दो अलग ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, गैलरी पे आपके पास वेडिंग आ रहा होगा या बर्थडे आ रहा होगा, तो दो अलग अलग फ़ोटोज़ आपको दोनों पेजेस पर दिख रही होंगी। तो ये इन्होंने एक मूवी वेबसाइट बनाकर यहाँ पर दिखाई है, तो हम इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हम मिमिक कर लेते हैं अगर अपने पास, और हम इसका स्ट्रक्चर मिमिक करके और हम उस तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा सा है तो हम जल्दी से ये काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, एक मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ फोर, और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई वेबसाइट विथ नेस्टेड लिंक्स। ठीक है, ये एक्चुअली वही चार पेज की वेबसाइट है, लेकिन इसमें अब क्या होगा, हर चार पेज के अंदर हम कुछ पेजेस मज़ीद डाल देंगे। अच्छा, तो इन्होंने आप अगर गौर से देखें तो ये जो रूट लेवल है ना इसका, ये वाला इसका रूट फोल्डर है, तो इसके अंदर रूट के अंदर एक index.html की फाइल इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें कि हर फोल्डर में, अभी आप जितने भी फोल्डर्स आप बनाएंगे तो हर फोल्डर में एक फाइल index.html होगी। ठीक है, तो जब उस फोल्डर का नाम लिखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वो फाइल आपको खोल के दिखा देगा। अच्छा, उसके बाद इसने ना इमेजेस का एक फोल्डर बनाया हुआ है। आप हमेशा याद रखें कि जो इमेजेस होंगी ना आपकी तमाम की तमाम, वो क्या होंगी, एक फोल्डर में हम स्टोर करेंगे उसको। ठीक है, तो मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बना दिया। अच्छा, इसके अंदर जो भी इमेजेस हमें रिक्वायर्ड होंगी अपनी वेबसाइट के अंदर वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे आके ना कोई एक छोटी मोटी सी कोई इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने इसको लिखा कार लिख दिया इसको, और कार लिख के मैं कोई रैंडम कार की एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल एस का बटन दबाया तो ये मुझे सेव का ऑप्शन दे देगा। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और वंस मेरे पास ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ इस फोल्डर में लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। नहीं हुआ पेस्ट, ये क्या बकवास है यार, इसको चलो ड्रैग करके ले आता हूँ मैं। ठीक है, ड्रैग करके भी लाके छोड़ूंगा तो एक ही बात है, इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ car.jpg। तो अब मेरी वेबसाइट में बहुत सारे आइकन्स हो सकते हैं, बहुत सारे बंदों की इमेज हो सकती है, बहुत सारे बटन पे इमेज लगी हुई हो सकती है, तो वो तमाम की तमाम इमेज हम क्या करेंगे, एक हम उसको फोल्डर में हम सजा रहे होंगे, हम रूट के ऊपर उस इमेज को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इमेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, छोटे 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 लोडिंग के इतने सारे हज़ारों आइकन होते हैं, तो अगर हमने वो रूट पे छोड़ दिया तो वो बहुत कचरा हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको एक अलग फोल्डर में रखते हैं। और इवन दो कि हम उस इमेज के फोल्डर के अंदर भी मज़ीद हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई आइकन एक अलग फोल्डर में होगा, जो बंदों की इमेजेस हैं प्रोफाइल्स हैं वो एक अलग इमेज में होगी, फिर जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो एक अलग फोल्डर में होगी, तो हम मज़ीद इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। तो एक इमेज का फोल्डर इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने जो रखा हुआ है logo.gif रखा हुआ है। ठीक है, लोगो क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट के कॉर्नर पे एक आइकन सा बना हुआ होता है, अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ, जैसे मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो फॉर्मिक करके एक लोगो है वो साइड में बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। राइट, तो इस तरह उसने लोगो रखा हुआ है वहाँ पे। एक्चुअली हमने जो है वो एक रैंडम इमेज उठा ली इंटरनेट से और वो रख दी हमने। अच्छा, अगला जो फोल्डर है इनका वो है मूवीज़ का फोल्डर। राइट, अच्छा, अब आप नोट करें कि अब इसके रूट के ऊपर कोई और HTML की फाइल नहीं है, अब इसके रूट पे HTML की कोई फाइल नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो अभी हम एग्जैक्टली ऐसा फोल्डर हम खुद बनाने लगे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारे पास रूट पे जो मज़ीद फाइलें हैं इसको हम क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके पास क्या है, मूवीज़ का एक फोल्डर है, तो मैं भी एक मूवीज़ का फोल्डर बना लेता हूँ। इधर मैं आया और मैंने कहा कि एक फ़ोल्डर बनाओ मूवीज़ के नाम से। ठीक हो गया, तो ये मूवीज़ के नाम से एक फ़ोल्डर हो गया, और फोल्डर किस नाम से, म्यूज़िक और थिएटर। ठीक है, तो म्यूज़िक और थिएटर के नाम से भी मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, म्यूज़िक और ठीक है थिएटर। तो ये मैंने रूट के जितने फोल्डर्स थे या जो भी फाइलें थी वो मैंने बना के ख़त्म कर दी। अच्छा, अब अगर मैं थिएटर के अंदर देखूँ तो थिएटर के अंदर पहले तो index.html, इस फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स है, उसके बाद लिस्टिंग्स हैं, उसके बाद रिव्यूज़ हैं, तो ये तीन वो फाइलें हैं जो मैंने क्या करनी है, मैंने भी अपने पास बनानी है। ठीक है, तो थिएटर के अंदर मैं जाके क्या बोलूँगा, सबसे पहले index.html
ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है। अभी इंडेक्स में मैं कोई कोड नहीं लिख रहा। अच्छा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अलावा लिस्टिंग्स और रिव्यूज, ठीक है, लिस्टिंग्स और रिव्यूज, ठीक है। तो थिएटर के अंदर ये तीन फाइलें इसने बनाई थी, तो हमने भी ये तीनों फाइलें यहाँ पे बना दी, ठीक है। इस फाइल में कुछ लिख नहीं रहा अभी मैं फिलहाल। अच्छा, थिएटर के साथ म्यूज़िक है, म्यूज़िक में भी इसी तरह है, लिस्टिंग और रिव्यू है और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी करके इसको एज इट इज़ म्यूज़िक में डाल दिया, ठीक है, ऐसा ही बनता जा रहा है कुछ। अच्छा, अब मूवीज़ के फोल्डर के अंदर जो है वो डायरेक्ट कोई फाइल नहीं है, बल्कि दो फोल्डर हैं, सैनमा और डीवीडी। तो मैं मूवीज़ में जाके अब क्या करूँगा, दो फोल्डर बना लूँगा, सैनमा और मूवीज़ के अंदर ही एक डीवीडी के नाम से बना लूँगा मैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, सैनमा की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, सी आई एन ई एम ए, ठीक है, स्पेलिंग लिखी हुई देख के फील हो जाता है कि गलत लिखी हुई है। स्पेलिंग भले याद ना भी हो तो फील करा देता है वो। अच्छा, तो इन इन दोनों फोल्डर्स के अंदर भी वही तीन तीन फाइल्स मेरे पास मौजूद हैं, सैनमा के अंदर भी और डीवीडी के अंदर भी, ठीक है। तो ये मोर और लेस हमारे पास क्या हो गया, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया जैसा कि यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ, राइट। समझ आ रहा है सब लोगों को कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो मैंने भी इसको उस तरह खोल के यहाँ पे रख दिया जैसे उन्होंने खोल के बताया हुआ, ठीक है। थिएटर को भी मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, इनके पास वो मूवी लास्ट में आ रही है, थिएटर ऊपर आ रहे हैं, मतलब वो स्पेलिंग की वजह से हो रहा है। सैनमा डीवीडी म्यूज़िक म्यूज़िक थिएटर नहीं यार, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अब तो हमने सेम चीज़ बना दी है, तो स्पेलिंग भी सेम हो गई हमारी। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या केस है, हम सबको पहले कोलैप्स कर देते हैं, सबको कोलैप्स कर दिया मैंने। मेरे पास तीन यहाँ पे फोल्डर्स हैं, मूवी, म्यूज़िक और थिएटर, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर आके अपने ये जो पहले के आइटम थे उसको मैंने हटा दिया और मैं एक बेसिक एच टी एम एल शुरू से लिख रहा हूँ अब यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक अदद नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम जो करते रहे हैं वो हम क्या करते रहे हैं कि हमारे पास रूट पे चार फाइलें होती थी, हम डायरेक्ट उन फाइलों का नाम लिखते थे, सही है, ऐसा ही था। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, हमने कहा यू एल और हमने कहा एल आई, एल आई के अंदर एक अदद एंकर टैग और एंकर टैग में सबसे पहले होम, सॉरी हाँ नेव का भी यहाँ पे टैग लगेगा, सही है, जो कि सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो नेव का टैग स्टार्ट यू एल और उसके अंदर एल आई। अच्छा, सबसे पहले उसके अंदर होम होगा ऑब्वियसली। अच्छा, होम क्या है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खुद है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया। अच्छा, अब अगला मुझे क्या नाम लिखना है इसमें, अब मुझे जाना है मूवीज़ में, म्यूज़िक में और थिएटर में। तो ये तीन इसके अंदर और भी बटन्स होंगे, ठीक है। तो मैंने तीन बटन यहाँ पे और बना दिए, एक में मैंने लिख दिया मूवीज़ और म्यूज़िक थिएटर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या हुआ, इसको गया वो पीसी स्लीप में चला गया, उसका एक बटन प्रेस करो खुद ही जाग जाएगा। जाग गया, हाँ बस हर 10 मिनट पे तुम्हारा काम है। बेचारा पहले ही पतला सूखा था और डाइटिंग हो जाएगी उसकी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे अब मैं लिखूँगा क्या, मैं मूवीज़ के फोल्डर में जाने के लिए मैं क्या लिखूँगा। अच्छा, इससे पहले जो हमने ये वेबसाइट की एग्जांपल बनाई थी, इसमें क्या था, मूवीज़ की एक इंडेक्स की फ़ाइल रूट पे ही पड़ी हुई थी, मैं डॉट स्लैश और उस फाइल का नाम लिख देता था। अब मैं क्या करूँगा, देखो मूवीज़ के फोल्डर के अंदर ना, अच्छा पहले मूवीज़ में नहीं जाते हैं, पहले म्यूज़िक और थिएटर करते हैं, ठीक है, थिएटर पहले करते हैं, ये ईजी है, ठीक है। देखो थिएटर के अंदर क्या है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि थिएटर में डॉट थिएटर लिखूँ और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखूँ, ठीक है, ऐसे लिखूँगा तो वो इसके इंडेक्स पे चला जाएगा, लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है क्योंकि, तो इसका मुझे नाम ना भी लिखूँ तो चलेगा, नाम ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अंदर भी देखो क्या है, म्यूज़िक के अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। पहले ये होता था म्यूज़िक की फ़ाइल होती थी रूट पर, तो अब मैं क्या लिखूँगा, स्लैश म्यूज़िक लिखूँगा और म्यूज़िक के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, उसको ये खुद डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। लिख भी सकता हूँ, लिख दूँ तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है।
अच्छा अब जो मूवीज़ है ना मेरे पास, मूवीज़ के अंदर भी एक इंडेक्स तो होना चाहिए, इन्होंने नहीं रखा हुआ। अच्छा तो पहले इतने को चला के देखते हैं, अभी मूवी वाले को हम रोक देते हैं, पहले इतना समझ लें कि नेस्टेड लिंक्स कैसे हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा इसको अब चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले तो हर पेज पे उसकी आइडेंटिफिकेशन भी मुझे पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो थिएटर का इंडेक्स है इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, एक एटलीस्ट मैं ये लिख देता हूँ कि ये क्या है, H1 थिएटर का इंडेक्स है ये, ठीक है। एटलीस्ट मैं इतना लिख दूँ ताकि मुझे पता चले वो कौन से पेज पे, अगर हर पेज अगर ब्लैंक होगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, म्यूज़िक में जाके भी यही सेम बात लिख देता हूँ कि भाई ये क्या है, म्यूज़िक का इंडेक्स है, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख कर और बगैर लिखे दोनों में ये क्या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी पाथ करके यहाँ पे आके खोल लेता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेता हूँ साथ साथ ये मेरे पास। अच्छा होम पेज पे भी कुछ ना कुछ मैं लिख देता हूँ कि यार ये क्या है, ये होम पेज है, सही है। होम पेज इस पे भी पता होना चाहिए मुझे कि हाँ यार मैं इस वक्त होम पेज पे खड़ा हूँ। अच्छा अब मैं जब म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ ले जाता है, म्यूज़िक के इंडेक्स पे ले जाता है। बैक करता हूँ मैं, थिएटर पे क्लिक करता हूँ, नहीं ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसमें मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखना पड़ेगा। अच्छा ये जो गड़बड़ हो रही है ना ये ब्राउज़र का कसूर है ये, ठीक है। वैसे होस्टिंग सर्विस पे ये सही चलता है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम रखते ही इसीलिए हम, ताकि उसका नाम ना लिखना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे थिएटर पर ले गया। अच्छा म्यूज़िक और थिएटर के अंदर अब मेरे पास मज़ीद दो दो पेजेस हैं, मतलब जब मैं थिएटर के इंडेक्स पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे दो पेजेस का लिंक नज़र आना चाहिए। मैं एक पे क्लिक करूँ तो मैं एक पे जाऊँ, दूसरे पे करूँ तो दूसरे पे जाऊँ, राइट, ऐसे चाहिए मुझे। अच्छा तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ज़ाहिर है इसी तरह का एक नेविगेशन बार, ये होम का जो नेविगेशन बार है ये दोनों के इंडेक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं म्यूज़िक के इंडेक्स में भी ये नेविगेशन बार पहले बना देता हूँ ताकि ना तीनों पेज यूनिफॉर्म हो जाए, अभी तो मुझे बैक करना पड़ रहा है, ठीक है। थिएटर के भी इंडेक्स में जाके मैं क्या करता हूँ, नेविगेशन बार ये सेम नेविगेशन बार बना देता हूँ, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए कि होम पे क्लिक कर सकूँ मैं। ओके गॉट इट। अच्छा ये मैं इस वक्त होम पे मौजूद हूँ, मैं म्यूज़िक पे जाऊँ, एक पेज को मैंने जूम इन कर दिया तो वो बाकी मसला कर रहा है। अच्छा ये मैं होम पे खड़ा हुआ हूँ, मैं म्यूज़िक पे जाता हूँ तो म्यूज़िक के इंडेक्स पे पहुँच जाता हूँ, थिएटर पे जाता हूँ तो मैं, ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझ लो क्यों हो रहा है। सर ऐसा इस वजह से हो रहा है कि देखो जब मैं रूट पे मौजूद हूँ, राइट, तो रूट के ऊपर से मैं इसको रिलेटिव यूआरएल दे रहा हूँ, सही है, कि इस फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उस पर चले जाओ, सही है। लेकिन जब मैं चला जाऊँगा थिएटर के यहाँ पर और यहाँ से मैं होम पेज पे अगर जाना चाहूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के इंडेक्स पे नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा इस फोल्डर से एक फोल्डर पीछे आओ और वहाँ पे जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वहाँ पे लेकर जाओ, तो मुझे फिर ये होम पेज पे लेकर जाएगा, समझ रहे हो। ये एग्जांपल अलग से करवाने का मकसद समझ रहे हो कि इसमें रिलेटिव यूआरएल भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ से अगर थिएटर के इंडेक्स से म्यूज़िक के इंडेक्स पर जाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस फोल्डर में एक म्यूज़िक है, मैं बोलूँगा इससे एक फोल्डर पीछे आओ और वहाँ पर म्यूज़िक है और उसके इंडेक्स में जाओ, ठीक है, और फिर डॉट डॉट स्लैश यहाँ पे भी लगाऊंगा। समझ आ रही है कैसे हो रही है। अब देखो लिंक कुछ बेहतर चलना शुरू हो जाएगा, होम सही चल रहा है, म्यूज़िक, अब म्यूज़िक से मैं वापस जब होम पे आऊँगा तो ये अभी भी नहीं लेकर आ रहा, किस पे मैंने चेंज किया, मैंने थिएटर वाले में चेंज किया, ठीक है। थिएटर में गया मैं, थिएटर के होम पेज पे आ गया, अब यहाँ से मैं होम दबाता हूँ तो मुझे ये होम पे ले गया, ठीक है। मैं वापस थिएटर पे आया, थिएटर से म्यूज़िक पे गया, ले गया मुझे म्यूज़िक पे, ठीक है। अच्छा अभी म्यूज़िक वाला जो है वो सही नहीं चल रहा, मुझे सेम काम म्यूज़िक वाले पे भी जाके करना होगा। अब मैं म्यूज़िक के इंडेक्स पे खड़ा हुआ इस वक्त, मैंने होम पे जाना है, होम कहाँ पर है, म्यूज़िक के फोल्डर से बाहर है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि डॉट डॉट स्लैश एक फोल्डर पीछे आओ और फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाओ, राइट, और इन दोनों में भी मैं इसी तरह से करूँगा डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। तो अब इन दोनों को नेविगेट सही तरह से करना चाहिए। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ आके, मैं कहता हूँ होम म्यूज़िक थिएटर, म्यूज़िक होम थिएटर, कहीं से भी कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, अब ये सही चलना शुरू हो गया क्योंकि अब इसको रिलेटिव यूआरएल सही मिल गया। अच्छा
अब अगला काम मुझे क्या करना है, अगला काम मुझे ये करना है कि मेरे पास जो म्यूज़िक के अंदर index.html है ना, इसमें लिस्टिंग और रिव्यू का भी लिंक लगाना है मुझे कि बंदा लिस्टिंग पे जाना चाह रहा है या रिव्यू पे जाना चाह रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, म्यूज़िक के इंडेक्स के ऊपर आके मैं क्या करूँगा, एक नेविगेशन बार और बनाऊँगा, ठीक है, जो कि नेस्टेड वाला भी यहाँ पे फैक्टर आने लगा है। अच्छा, और उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का ULLI होगा, लेकिन इस बार इसमें क्या होगा, इंडेक्स जो होगा वो किसका होगा, म्यूज़िक होम होगा अभी, ठीक है, मैं म्यूज़िक में खड़ा हुआ ना, हाँ म्यूज़िक में खड़ा हुआ, तो मैं म्यूज़िक का होम होगा अभी, ठीक है, म्यूज़िक होम। अच्छा, उसके बाद क्या है अगला, म्यूज़िक लिस्टिंग और म्यूज़िक रिव्यू, सही है, म्यूज़िक रिव्यू। अच्छा, इसका मैं अब पाथ इसको कैसे प्रोवाइड करूँगा, ये पाथ तो मैं हटा देता हूँ, सही है, पाथ इसको कैसे प्रोवाइड करूँगा, मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं म्यूज़िक के इंडेक्स में खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे यहाँ से लिस्टिंग पे जाना है, इस बटन के प्रेस करने पे मुझे लिस्टिंग पे जाना है, तो मैं बोलूँगा इसी फोल्डर के listing.html पे चले जाओ, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा इसी फोल्डर के review.html पे चले जाओ, ठीक है। अच्छा, उन पेजेस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा हुआ अभी, तो ज़रा जाके लिख देते हैं, लिस्टिंग पे जाके लिख देता हूँ मैं कि भाई ये क्या है, ये म्यूज़िक की लिस्टिंग है, सही है, म्यूज़िक लिस्टिंग, और उसी के साथ मैं क्या कर देता हूँ, रिव्यूज़ पे जाके लिख देता हूँ कि क्या है ये म्यूज़िक रिव्यूज़। अब इस पेज का कंटेंट होगा वो ज़ाहिर है, अभी सिर्फ मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम लिख रहा हूँ, लेकिन इस पेज का बाकायदा एक कंटेंट होगा। अच्छा, अब ज़रा देखो, मैं जब म्यूज़िक पे जाता हूँ जब, तो ये म्यूज़िक का इंडेक्स तो है, इसका अपना एक कंटेंट है इस इंडेक्स के पेज का, लेकिन इसके अंदर मेरे पास लिस्टिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्लिक करने से मैं लिस्टिंग पे चला जाता हूँ, और क्लिक करने से मैं रिव्यू पे चला जाता हूँ। अभी मैं बैक आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे नेविगेशन बार नहीं बना हुआ वहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं बैक आ रहा हूँ। तो अब कुछ इस तरह का मेरे पास है, एक तो ये टॉप का नेविगेशन बार है और एक ये नेस्टेड नेविगेशन बार है। मैं होम पे चला जाता हूँ, मैं बाहर आ गया बिल्कुल, मैं थिएटर पे चला गया, म्यूज़िक पे जा रहा हूँ, तो मुझे मज़ीद यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं कि भाई मज़ीद मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। इसको आप रिलेट करें इस तरह से कि जब आप facebook.com यूज़ करते हैं तो आपके पास होम पेज खुलता है, जहाँ पे सब लोगों की पोस्ट आ रही होती है, न्यूज़ फीड जिसको कहते हैं वो। अच्छा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स दिख रहे होते हैं, होम, अबाउट, प्रोफाइल, XYZ। अच्छा, लेकिन वंस आप सेटिंग के अंदर जब जाते हैं, जो आपकी सेटिंग है, जो अकाउंट्स की सेटिंग एल्बम, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो ऊपर ही एक रो में आ रहा था ना, वो ऊपर ही रो में राइट साइड के कॉर्नर पे सेटिंग का बटन आ रहा होता है, आई थिंक। तो वो सेटिंग के बटन पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे वो ऊपर वाला नेविगेशन बार तो अपनी जगह रहता है, लेकिन उस पेज पे लेफ्ट साइड पे भी एक बार बना हुआ आ जाता है, जो एक मज़ीद नेविगेशन आपको दिखा रहा होता है कि भाई सिक्योरिटी या प्राइवेसी और बहुत सारे फिर उसमें मज़ीद ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ आप अब नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको तकरीबन हर वेबसाइट पे नेस्टेड राउट्स कहते हैं इसको, टेक्निकली तो इसको नेस्टेड राउट्स कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्योंकि HTML पढ़ रहे हैं तो इसको आप लिंक्स बोलेंगे आप, ठीक है। इन फ्यूचर ये, क्योंकि राउट्स में और लिंक्स में फ़र्क होता है, लिंक ये होता है कि एक बस बटन दबाएंगे आप उधर लेके चला जाता है, राउट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। तो इन फ्यूचर ये पूरे पूरे राउट्स हमारे अलग हुआ करेंगे। जाओ भाई, तो ये नेस्टेड लिंक जो है ना, क्या हो गया, हाँ अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, देखो अब होता क्या है कि मैं जब होम पे क्लिक करता हूँ तो मैं इधर ही होम पर हूँ, लिस्टिंग पे जब जाता हूँ मैं लिस्टिंग पे तो पहुँच गया, लेकिन मैं वापस कैसे आऊँगा, ठीक है। तो मुझे लिस्टिंग पे जाके भी ये वाला नेविगेशन बार लगाना है, सही है। तो आ जाते हैं हम, म्यूज़िक के इंडेक्स पे गया मैं, और म्यूज़िक के इंडेक्स से मैंने ये दोनों नेविगेशन बार उठाए और लिस्टिंग पे जाके मैंने ये दोनों नेविगेशन बार लगा दिए। ये नेविगेशन बार कहाँ पे होते हैं, हमेशा टॉप पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब ये नेविगेशन बार लगाऊंगा ना मैं, तो ये ऊपर वाला चलना बंद हो जाएगा। वो इसलिए चलना बंद हो जाएगा कि इस वाले से मुझे कहाँ जाना है, इस होम पे जाना है, जो बिल्कुल रूट पे जो है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस फोल्डर पे रहो पहले, फिर उसके बाद इस फोल्डर से एक फोल्डर बाहर निकलो। तो एक फोल्डर बाहर तो कौन सा वाला है, म्यूज़िक है वो, तो सही है। तो देखते हैं वैसे इसको चला के,
एक मिनट यार, लिस्टिंग पे मौजूद हूँ मैं, एक फोल्डर बाहर आया तो मैं म्यूज़िक पे आया। म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, हाँ सही है यार, आई थिंक चल जाना चाहिए इसको, देखते हैं चला कर। वेल देखते हैं चला के, अभी अगर वो मसला करेगा तो हमें पता चल जाएगा खुद ही। अच्छा जी, और इसी नेविगेशन बार को मैं कॉपी करके कहाँ ले जाता हूँ, म्यूज़िक रिव्यू पे भी ले जाता हूँ, नेविगेशन बार ऑन द टॉप। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पे होम पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, ये मैं होम से शुरू कर रहा हूँ दोबारा। होम से मैं गया म्यूज़िक पे, और म्यूज़िक पे मेरे पास तीन यहाँ पे बटन आ रहे हैं, एक म्यूज़िक होम है जिससे मैं इधर ही रहूँगा, एक म्यूज़िक लिस्टिंग है जिससे मैं लिस्टिंग पे चला जाऊँगा, एक म्यूज़िक रिव्यू है। अब म्यूज़िक रिव्यू से मैं वापस अगर होम पे जाऊँ तो मुझे ले जा रहा है, हाँ सही ले जा रहा है, और अगर थिएटर पे जाऊँ तो भी ले जा रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये मेक सेंस होना शुरू हो जाएगा, जब हम थोड़ा सा अगर होम के ऊपर हम कोई कंटेंट लगाएंगे ना तो हमें फील होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या चक्कर है इसका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि म्यूज़िक होम है ये। सही है जी, म्यूज़िक होम, म्यूज़िक लिस्टिंग, म्यूज़िक रिव्यू। अब देखो यहाँ पर ये एक पेज है लेकिन इसके नीचे तीन अलग अलग पेजेस आ रहे हैं, नोट कर रहे हो? तो ये नेस्टेड राउटिंग इस तरह से हमारी म्यूज़िक वाले पार्ट में हो गई है। अब थिएटर वाले में हमारे पास यहाँ पे भी मज़ीद ऑप्शंस आ रहे होंगे, राइट? अच्छा, तो अब हम थिएटर वाले में जाके ना इधर तवज्जो दे, तवज्जो दो। ठीक है, तो मैंने वही वाला काम जो मैंने म्यूजिक के तीनों पेजेस पे किया था वही मैंने थिएटर के तीनों पेजेस पे भी कर दिया है, राइट? अब देखते हैं कि थिएटर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो गई या नहीं हो गई। ये मैं गया होम पे आ गया, होम से मैं थिएटर पे आया। ठीक है, थिएटर होम, थिएटर लिस्टिंग, थिएटर रिव्यू। अब यहाँ से मैं वापस अगर होम पे जाना चाहूँ तो ये दबा के मैं होम पे चला जाता हूँ। ठीक है, म्यूज़िक, थिएटर, थिएटर लिस्टिंग, दोबारा म्यूज़िक। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गई है, एक वेबसाइट बन गई है जिसमें नेस्टेड राउट्स हैं। तो टोटल हमारे हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर पेजेस कितने हैं, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि तीन पेजेस हैं लेकिन एक्चुअल में कितने पेजेस हैं, जब मैं म्यूज़िक पे जाता हूँ तो यहाँ पे तीन पेजेस म्यूज़िक के अंदर हैं। ठीक है, और जब मैं थिएटर पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी तीन पेजेस हैं, तो मेरे पास एक्चुअली नौ पेजेस हैं। ठीक है, लेकिन हर पेज एक दूसरे के अंदर हिडन है तो आपको वो फील नहीं हो रहा कि इतने ज़्यादा पेजेस हैं। अगर मैं सीधा नेविगेट करवा देता तो शायद वो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता, बहुत ज़्यादा रश लग जाता। तो इस वजह से क्या किया गया है यहाँ पर कि उसको कैटेगराइज़ कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक अप्रोच और भी यूज़ होती है कि ऊपर नेविगेशन बार के ऊपर ना, जब आप मिसाल के तौर पे म्यूज़िक के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो एक बार खुल जाता है उसके अंदर। ठीक है, एक मेन्यू खुल जाता है, हाँ सब मेन्यू काइंड ऑफ आप कह सकते हैं उसको। तो नेविगेशन बार में जो एक मेन्यू आ रहा होता है उसमें जैसे होम, म्यूज़िक और थिएटर तीन आ रहा है, तो होम के ऊपर तो सिंपल बटन होता है लेकिन म्यूज़िक और थिएटर के ऊपर हल्का हल्का सा ड्रॉप डाउन टाइप का एक मेन्यू दिख रहा होता है। तो सब मेन्यू को हम नेविगेशन बार में भी छुपा सकते हैं और इस तरह एक पेज के अंदर दूसरे पेज में भी उसको हम छुपा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्टेंट ज़रा इसमें हम लिख देते हैं ताकि हमें थोड़ी फील आ जाए वेबसाइट वाली। अच्छा, हाँ? वो बार CSS में बनेगा जी। अभी जो बार सीधा दिख रहा है ना आपको ऐसे वाला, ये प्रॉपर जो नेविगेशन बार है ऐसा वाला जो है ना, ऐसा वाला जी। ये अभी हम ज़रा HTML के 8 चैप्टर पढ़ लें फिर हम CSS शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, मैं अभी भी साथ साथ भी करवा सकता हूँ लेकिन फिर मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब फिलहाल वन
वन थिंग एट अ टाइम करोगे ना तो थोड़ा सही रहेगा, आसानी से होगा भी। होता है ना बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं, कि एक एक स्टेप करके फिर कब आप चलने लगते हो कब आप दौड़ने लगते हो आपको पता नहीं चलता। तो अगर आप बेबी से साथ साथ आप बोलेंगे यार बोतल भी उछालो तीन एक साथ और फिर चलो भी, तो वो फिर ना चल पाएगा ना बोतल उछाल पाएगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम की वजह से अभी उसको हम, बच्चा इधर उधर बातें नहीं करो, अभी क्लास ख़त्म होने वाली है 5 मिनट, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा ठीक है सर से बात करने का। तो अच्छा, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं। अब थिएटर होम जो है ना, इसमें हम गूगल पे जाते हैं, थिएटर लिख कर और विकीपीडिया का पेज हम लिख लेते हैं इधर, और वहाँ से हम एक पैराग्राफ उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं एज अ कंटेंट। ठीक है, हाँ भाई चल रहा है ये सही है। अच्छा, तो थिएटर के इंडेक्स के ऊपर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ कि ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू थिएटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगा के ये पूरा पैराग्राफ इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ज़रा देखते हैं कि आप किस तरह का दिख रहा है ये। ठीक है जी, तो थिएटर का जो होम पेज है ना वो कुछ इस तरह का दिख रहा है मेरे पास अभी। ठीक है, अब मुझे ये थिएटर होम लिखने की शायद इसमें अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ एक वेबसाइट बनती जा रही है थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, विकीपीडिया से ही मैं एक इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है, इमेज लगाना फ़िलहाल हमने अभी सीखा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ अभी शुरू करते हैं इमेज लगाना। अगला चैप्टर वैसे हमारा यही है इमेज सीखने वाला। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, ये इमेज डाउनलोड करने लगे हैं हम ये तीनों। ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट, ये तीन इमेजेस हैं, और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ये सेव होती जा रही हैं इमेजेस। ठीक है, ये तीनों इमेजेस मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और इसको मैंने अब कहाँ ला के रखना है, अपने जो इमेज का फोल्डर मैंने बनाया था अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे मैंने इसको ला के प्लेस करना है, राइट। तो मेरे डेस्कटॉप पे ये तीनों इमेजेस जा चुकी हैं, ये एक दो और ये तीन, सही है। तो इन तीनों इमेजेस को मैंने पकड़ा और इसको मैंने, अच्छा ये ड्रैग करके जाएगा ना, इसको मैंने इस इमेजेस के फोल्डर में ला के ना ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो तीनों इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन टू थिएटर के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेजेस भी लगा देता हूँ। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इमेजेस पहले ही आप लगा चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं लगाया वो ज़रा देख लेंगे कैसे लगती है इमेजेस। ठीक है, देखो मैं दो लेवल पीछे आ रहा हूँ, और इमेजेस और स्लैश करके ये मेरे पास पहली इमेज यहाँ पे लग गई। ठीक है, इमेजेस स्लैश और ये दूसरी लगा दी मैंने, और ये तीन इमेज मैं सीधी सीधी लगाता जा रहा हूँ, नो बिग डील, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, मैंने तीन इमेजेस यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी लगाई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखो तीन इमेजेस यहाँ पे शो हो गई हैं। ठीक है, अब इन तीनों इमेजेस का जो इसमें साइज़ का भी एक एट्रीब्यूट है जो आप दे सकते हैं, तो मैंने इसको कहा कि यार विड्थ जो होगी ना आपकी वो थोड़ी छोटी करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 300 पिक्सल होगी आपकी विड्थ। ठीक है, ताकि वो मुझे एक रो में तीनों दिख जाए। ठीक है, तो 300 पिक्सल वाली है मेरे ख्याल है, ये सेंटर वाली को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि वो स्टेप बाई स्टेप हो जाए तीनों, टक 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 तीन स्टेप में हो जाए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ये मैं मेन होम पर अपने मौजूद हूँ, मेन होम से मैं जैसे ही थिएटर पे जाता हूँ तो मेरे पास ये पेज खुलता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो पेजेस और भी हैं। ठीक है, तो मैं जब लिस्टिंग पे जाता हूँ और रिव्यू पे जाता हूँ तो ये दो अलग अलग पेजेस हैं। तो लिस्टिंग के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पे जाके ना रिव्यू लिखता हूँ और रिव्यू की कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ। ठीक है, मूवी रिव्यूज़ लिखता हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी, मैं फ़िलहाल वो उठा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज आ गई है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, डेस्कटॉप
ठीक है जी। ये रिव्यू वाली जो ना पिक्चर मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये पिक्चर की सूरत में नहीं होता रिव्यू, ये इसका बकायदा हम HTML का कोड लिखते हैं और फिर हमारे पास डेटाबेस से जो रिव्यू आता है उसके बिहाफ पे हम उसमें 5 स्टार में से मिसाल के तौर पे 4.5 अगर रिव्यू है तो हम 4.5 स्टार को येलो करते हैं, बाकी को हम पीला छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमने वो चीज़ें अभी तक नहीं कवर की हैं, तो मैं इसमें फ़ोटो लगा के आपको डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हम जस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा हमें रियलिस्टिक फील आए इस वेबसाइट के अंदर, राइट, जस्ट हम इसलिए कर रहे हैं। अब आप देखते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी इमेजेस क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो इमेजेस जैसे जैसे मेरी बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, क्या होगा, अगर उसको मैं इमेजेस के फोल्डर में नहीं रखता तो वो रश लगता चला जाता, ठीक है। और अब इमेजेस के फोल्डर में भी रश लगना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, फिर हम इसमें से क्या कर लेंगे, इसके अंदर मज़ीद क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि भाई अच्छा जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो यहाँ रख दो, जो फ्रंट वाली इमेजेस हैं या जो आइकन्स हैं वो कहाँ पर रख दो, ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है। तो ये मैं थिएटर रिव्यूज़ में आ गया। अब थिएटर रिव्यूज़ के अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, इमेज लगा देता हूँ वही वाली जो मेरे पास रिव्यू की इमेज है, सही है। लाइन से मैंने 4-5 दफ़ा लगा दिया तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद लोगों ने बहुत सारे रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। ये थिएटर रिव्यू ऐसे करके लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो थिएटर का ये होम है, ये रिव्यू है। अब मैंने लिस्टिंग इस पर लगानी है, राइट, ठीक है। तो मैं लिस्टिंग के भी ना कुछ इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है, और इमेज लगा देता हूँ वहाँ पर। काइंड ऑफ इस तरह से होती है ना लिस्टिंग, जब नेटफ्लिक्स वगैरह आप खोलते हैं तो इस तरह से आ रहा होता है, तो मैं इसकी भी इमेज लगा लेता हूँ। हाउएवर इसको भी हम एज अ इमेज नहीं लगाते, ये हम कोडिंग के थ्रू करते हैं, क्योंकि जाहिर है हर वक्त जो ट्रेंडिंग जो मूवीज़ होती हैं वो सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं, राइट, ठीक है। तो मैंने काइंड ऑफ ये एक इमेज उठा ली मैंने, और मैंने कहा ओपन इमेज इन न्यू टैब, और मैंने कहा कि ठीक है जी, हेलो, नहीं, हाँ सही है, हाँ बोलो बोलो, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, सही है, सुन लिया मैंने, अल्लाह। अच्छा, तो मैंने थिएटर लिस्टिंग के अंदर आके ना मैंने एक इमेज लगा दी इस तरह की, तो अब मुझे क्या देखना चाहिए, मेरे ये थिएटर का होम है मेरा, ये थिएटर की लिस्टिंग है मेरी, और ये थिएटर के रिव्यूज़ है मेरे, ठीक है। ये इमेज थोड़ी लो रेजोल्यूशन है इसलिए थोड़ी छोटी दिख रही है, क्या दिख रहा है, हाँ वो थोड़ा रिफ्रेश मेरे ख्याल से स्लो डाउन हो रहा है, वो इंटरनेट हमारे पास थोड़ा सा ना, ये इंटरनेट के थ्रू असल में प्रोजेक्शन हो रही है ना, तो मैंने मिस से रिक्वेस्ट की हुई है कि वो छोटी सी डिवाइस होती है वो लगा दें, तो जैसी लग जाएगी तो ये मसले हमारे इंशाल्लाह हल, बस ये टाइम तो हो गया है, बस 2 मिनट मुझे दें आप प्लीज़, 2 मिनट मुझे और दें फिर हम निकलते हैं। असल में हम शुरू हमने काफ़ी लेट किया ना इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आप प्लीज़ टाइम दीजिए। अच्छा बच्चों, अब ये समझ आ गया ये कैसे हमने किया हुआ है, ये मैं होम पे आ गया और म्यूज़िक वाले पे ये काम क्या करना है, ये आपने करना है, सही है। और एक चीज़ हमने अभी कवर नहीं की क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं बचा है, ये मूवीज़ वाला। अब मूवीज़ के अंदर आप देखें 2 फोल्डर हैं अंदर इसके, तो अब आप समझ जाओगे ये कैसे होगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अभी जो इधर हुआ है ना ये वाला काम, अब वो यहाँ पे 2 इसके अंदर फोल्डर है तो यहाँ पे भी वही काम होगा। भाई मेरे पास ऐसा नेविगेशन बार चाहिए मुझे कि ऐसे मूवीज़ का फोल्डर आ रहा हो उसके अंदर सैनमा और DVD आ रहा हो, मूवीज़ के जब मैं फोल्डर में जाऊँ तो सैनमा और DVD आ रहा हो, और सैनमा DVD के अंदर जाऊँ तो हर के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हो, तो ये डबल नेस्ट है एक्चुअली, सही है। सिंगल नेस्ट मैंने करवा दिया, डबल नेस्ट है ये आपने करना है जी। हाँ ये बड़ी अच्छी तुमने बात की, ये मैं अभी इसी पे आ रहा था कि अब देखो ये जो थिएटर का होम पेज है ना, अब ये आपने क्या करना है,
आप ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर ही नाम रखो, आप अपनी मर्जी की कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, आप ये अपनी रेसिपी वाली वेबसाइट में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ऑल आई नीड इज़ के नेस्टेड लिंक आपके पास चल रहा हो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि ये नेस्टेड लिंक काम कैसे करता है, ठीक है, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि आप ये थिएटर वाली वेबसाइट बनाओ, ठीक है, हाँ यू गॉट किया। अपनी मर्ज़ी से आप कोई सी भी वेबसाइट बना के ना उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट करें और उसको अच्छा सा खूबसूरत सा बनाएं। इमेजेस लगाना आप थोड़ा सा सीख गए तो आप इमेजेस भी थोड़ा सा उसमें लगा लें, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाया, बहुत सारों ने तो पहले से लगा लिया, ठीक है। तो आप अच्छी सी वेबसाइट कोई सी भी बनाएं अपनी मर्ज़ी से, उसमें ये नेस्टेड लिंक मुझे बस चलते हुए नज़र आए तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।